देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा स्टेयर का लाइट प्रॉब्लम हो रहा है, आधा जल रहा है आधा बंद हो रहा है। तो हम आज की वीडियो में पूरा इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। देखिए दोस्तों, कितने सारा हमारे पास लाइट स्ट्रिप लोग सब बाहर किए हैं। सो फाइनली यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर दिए, अच्छे से वर्क कर रहा है। इसके बारे में पूरे हमारे स्टेयर पे चलता है तो लाइट ख़राब होता है कि नहीं, तो काफ़ी लोग सवाल कर रहे थे। तो ये इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है, ऑफ कोर्स ख़राब होगा ही होगा, और उसका कितने साल का लाइफ है वो भी आप वीडियो पे बताना सर। तो हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल बताएंगे कितने साल तक हमारा स्टेयरकेस का लाइट चलता है और किस कारण प्रॉब्लम होता है और कौन सा प्रोडक्ट लगाने से अच्छे से वर्क करेगा हमारा स्टेयर ऑटोमेटिक स्टेयर कंट्रोलर। तो पूरा डिटेल बताएंगे इस वीडियो पे। और एक प्रॉब्लम था, आप देखिए यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा स्टार्टिंग में वीडियो डाले थे, वहाँ पर स्टेयर केस में पूरा एलईडी स्ट्रिप जो हमारा ख़राब हो चुका है और ये काम नहीं आ रहा। तो हम उसमें पूरा डिटेल बताने वाले हैं किस तरीके से लाइट चेंजेस करेंगे और कौन सा लाइट लगाने से अच्छे से वर्क करेगा, कितने साल लाइफ जाएगा, हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे इस वीडियो पे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो पे न्यू आए तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसा से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक साल पहले हम लोग इसी घर पे स्टेयर केस पे लाइट लगाए थे, तो चलो आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हो जो हमारा एक वीडियो डला हुआ है, इसी में 1 मिलियन करीब हमारा व्यूज़ गया है और इसमें जो हमारा पूरा ये स्टेयर केस पे लाइट लगा था, ठीक है। तो यहीं पर हमारा स्टेयर केस में प्रॉब्लम है, तो चलो आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर सेंसर और एक स्विच रखे थे, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपने को एलईडी आधा यहाँ पर जल रहा है स्ट्रिप और आधा ऊपर जल रहा है, बाकी ऊपर में बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो देखते हैं सेंसर पे हाथ रखने के बाद जो है ये डायरेक्ट ही चल रहा है और बाकी स्टेप का बिल्कुल लाइट नहीं जल रहा, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग अभी इसका कंट्रोलर चेक कर लेते हैं प्रॉब्लम क्या है के नीचे में। तो देख सकते हो यहाँ पर पावर सप्लाई से तो हमारा सप्लाई जा रहा है और ये देखिए यहाँ पर हमारा कंट्रोलर भी अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हल्का सा एक दो बार सेटिंग करके देख लेते हैं फ़ोन पे, उसके बाद देखते हैं हमारा जो फ़ोन ये काम कैसे आता है। तो एक बार यहाँ पर प्रेस करना है, उसके बाद वाईफाई से कनेक्ट करना है। आपको फ़ोन पे सेटअप करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग को वाईफाई ऑन कर लेना है और देख सकते हो एलईडी स्ट्रिप ये हमारा वाईफाई से कनेक्ट हो गया। और उसके बाद क्या करना है, अपने को जो है इंटरनेट बंद कर देना है और क्रोम पे जाना है। और ये देखिए अभी हमारा सेटिंग निकला था 999 कर देते हैं, देखिए 4 बार 999 करेंगे और ये देखिए यहाँ पर हमारा जो है स्टेयर केस का जो है एप्लीकेशन बाहर आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर 24 स्टेयर है हमारा और ये सेंसर लोग को सेटअप कर लेते हैं, ठीक है, एयर सेंसर। और ये देखिए यहाँ पर कुछ भी सेटिंग नहीं करना है, 100% ब्राइटनेस है उसको 80% कर देते हैं और बाकी सब सेटिंग पहले से सेटअप है और इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कैसे चल रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, एक दो स्टेप हमारा जो है वर्क हो गया। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर स्ट्रिप जो है ख़राब लो क्वालिटी का पहले ही हमारे पास आया था, एक दो बार डैमेज हो गया था अपने से। तो ये जो है कंपनी से, जैसे कि हमारे को चाइना से आता है ना स्ट्रिप, तो ये जो है लो क्वालिटी आ जाता है आईसी लॉक का, तो उसके कारण जो है ये ख़राब हो रहा है। और ये बता दूं, ये जो स्टेयर केस पे लगा है ना वो पिक्सल का है, ठीक है, आरजीबी नहीं है, फिर पिक्सल है वॉम वाइट का। तो नया नया जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रॉब्लम आते ही रहता है। तो ये नया स्टार्टिंग में बना था और हम लोग यहाँ पर इंस्टॉलेशन किए थे सीढ़ी पर और काफ़ी दिन से अच्छे से वर्क भी किया, उसके बाद ये प्रॉब्लम आ रहा है, 1 ईयर हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ कर गए, यहाँ का जितना भी डिफ्यूज़र और ये लगा है ना उसको हम लोग बाहर कर रहे हैं, ठीक है, और एलईडी स्ट्रिप भी बाहर कर रहे हैं। तो हम लोग को करीब 5-6 स्टेप का जो हम लोग यहाँ पर डाटा से चलने वाला ये सिंगल वायर से, और बहुत सारा स्टेयर केस में देखे होंगे हम लोग पूरा सप्लाई लेके गए ना, तो यहाँ पर ओनली एक डाटा से रन हो रहा है और 2 पावर सप्लाई का वायर खाली गया है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रिप बाहर कर रहे हैं और ये देखिए बल्ब कैसा प्रॉब्लम हो रहा है।
देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा स्टेयर का लाइट प्रॉब्लम हो रहा है, आधा जल रहा है आधा बंद हो रहा है। तो हम आज की वीडियो में पूरा इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। तो देखिए, हम लोग जो है यहाँ का इसका वायरिंग पहले सेटअप खोल रहे हैं। और ये देख रहे हो, यहाँ पर हम लोग जो डाटा वायर लिए थे, सिंगल कोर का वायर, और ये देखिए। और काफ़ी लोग का सवाल ये था, इसको रिपेयरिंग कैसे करोगे सर? तो देखिए, काफ़ी आसान तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम होगा खाली ओनली स्ट्रिप, क्योंकि स्ट्रिप का लाइफ रहता है 24-25 हज़ार घंटा। तो उससे ज़्यादा चल जाने से क्या होता है आपको पता ही है। और ये तो पिक्सल है, पिक्सल में आईसी का प्रॉब्लम होते ही रहता है। तो हम लोग जो है इससे रिक्वायरमेंट करते हैं, हम लोग नॉर्मल वाला जो प्रोफाइल लाइट में लगता है ना, वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट करते हैं, ताकि ये सब प्रॉब्लम मत आए डाटा का। तो और वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है अपने को स्टेयर केस पे। तो काफ़ी लोग का सवाल भी रहता है, इतना महंगा क्यों? तो कम प्राइस में ये बेटर भी है, फिर इसमें प्रॉब्लम होता ही रहता है। इसका 8 GB आता है, 8 GB भी अच्छे से वर्क करता है, फिर पिक्सल को खोल नहीं सकते। एक डाटा मिस होगा तो पूरा स्टेयर केस लाइट बंद हो जाएगा, और नॉर्मल वाला में एक ही स्टेप बंद होगा, बाकी बिल्कुल बंद नहीं हो। तो चलो, हम लोग स्टेप का जो है ये पूरा सभी को निकालते हैं बाहर, और हम लोग स्ट्रिप इसका चेंजेस करने वाले हैं नया। तो नया स्ट्रिप कौन सा लगेगा आपको दिखाई देते हैं, हमारे पास आ गया है बाहर से। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग स्ट्रिप ले आए, और इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हो यहाँ पर 2835, और ये 60 LED बल्ब रहेगा 1 मीटर पे, और ये 12 वोल्ट वाला है। तो चलो, ये इसी को हम लोग लगाने वाले हैं। टोटल अपने को यहाँ पर 24 मीटर लगने वाला है। तो चलो, कैसा लगाएंगे हम आपको पूरा डिटेल बताते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग सोल्डिंग आयरन लिए, और पहले इसका वायरिंग बंद कर रहे हैं, ठीक है? कनेक्शन बंद कर लेना है, उसके बाद करना है। और देखते हैं स्ट्रिप पे ये वाले में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसका और इसमें क्वालिटी में क्या फ़र्क है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, इसका जो है पॉइंट हम लोग को गिनती करना है, आईसी को कितना आईसी लगा है, उस हिसाब से अपने को एक स्ट्रिप का मतलब एक स्टेप का लाइट को कटिंग करना है। तो देखिए, ये हमारा पुराना वाला है, और नया वाला देखा तो कैसा दिखता है देखते हैं। और देख रहे हो दोस्तों, नया वाले का क्वालिटी काफ़ी अच्छे लग रहा है मेरे को, और इसका जो है फ्लेक्सिबल भी है। और इसका बोला है जिससे हम लोग माल खरीदे ना, वो बोल रहा था आईसी का फुल्ली वारंटी है भाई, और ये पूरा गारंटी वाला है। और ये काफ़ी महंगा था, और ये काफ़ी प्राइस लो था, तो उसमें पता चल जाता है अपने को कौन सा क्वालिटी अच्छे चलने वाला है। और इसका आईसी देखिए यहाँ पर बीच पे सेंटर पे यहाँ पर है, और देखते हैं यहाँ पर इसको लगाने के बाद रिजल्ट कैसा है। तो सबसे पहले हम लोग 5 स्टेप का पहले स्टार्टिंग करेंगे, उसके बाद बाकी को लगा के चेक करेंगे। तो चलो, एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं ये कैसा वर्क करेगा। तो इनपुट हमारा आपको पता ही है कहाँ पर लगने वाला है, एरो का मार्क है उधर इनपुट रहेगा। और इसको हम लोग को कनेक्शन यहाँ पर कटिंग करके इसको सप्लाई देना है, ठीक है? तो चलो, यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, देखते हैं। तो देखिए, जो हमारा वायर साथ में है उसको हम लोग पूरा खोल दे रहे हैं। हम लोग को पूरा अच्छे से परमानेंट करना है ना, पूरा सोल्डिंग करना पड़ेगा। तो जितना भी यहाँ पर वायर सोल्डिंग था उसको हम लोग को बाहर रिमूव कर देना है, ठीक है? उसके बाद हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट करने वाले हैं हम लोग सोल्डिंग करके, देखिए। तो चलो, यहाँ पर हम लोग सोल्डिंग करेंगे। देखिए, यहाँ पर 12 वोल्ट का प्लस माइनस है, ठीक है? तो यहाँ पर प्लस वाला आपको देख रहा हो, तो यहाँ पर प्लस पे हमारा ब्लू वायर है, ठीक है? तो ब्लू वायर को हम लोग प्लस पे लगा देंगे, और ये दिखाता हूँ आपको पूरा, ये तीनों को सोल्डिंग करना है पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है? परमानेंट सॉल्व, ठीक है? यहाँ पर बार बार छोटा छोटा वायर नहीं जोड़ना है। और इसके बाद देखिए, ये जो हमारा डेटा वायर है, तो हमारा बीच पे डेटा वायर रहता है ग्रीन वाला, तो ये ग्रीन वाला हमारा इनपुट है डेटा वायर। एक तो हल्का सा पिक्सल पे ना काफ़ी झंझट रहता है, फिर वायरिंग कम करना पड़ता है इसमें, ये हो गया। उसके बाद जो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये देखिए, एक हमारा जो है कॉमन जो ब्लैक वायर है माइनस का, हम लोग माइनस पे लगा देते हैं, ठीक है? हल्का सा पेस्ट लगा के अच्छे से इसको चिपका लेना है, उसके बाद ये सोल्डिंग हो गया, आप देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, यहाँ पर देखिए सोल्डिंग किस तरीके से हम लोग किए हैं, और इसको परमानेंट सोल्व कर दें। और ये लास्ट वाला डाटा एरिया है, ठीक है? तो वो हम लोग का लास्ट में जाके, तो चलो हम लोग ऑन करके देख लेते हैं ये हमारा स्ट्रिप चल पाता है कि नहीं।
तो ये देखिए इसको हल्का सा खोल लिए, देखते हैं ये वर्क करेगा कि नहीं। तो देखिए दोस्तों ये पूरा लाइट जल रहा है, आप देख रहे हो ये अच्छे तरीके से वर्क हो रहा है, आप देख रहे हो पूरा एलईडी स्ट्रिप हमारा जितना भी हम लोग जोड़े थे सभी चल रहा है। ठीक है, तो हम ये 5 मीटर का रोल है, तो पहले हम लोग 5 स्टेप का पूरा लगा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसा हमारा ये लाइट वर्क कर रहा है। देखिए ऑटोमेटिक बंद भी हो रहा है, सेंसर पे हाथ रखेंगे ये चालू भी हो रहा है। देखिए तो चलो इसी तरीके से हम लोग को सभी को बाहर करना है। देखिए पुराने वाले बाहर ही कर रहे हैं कंटिन्यू, और इसके बाद एक स्ट्रिप हम लोग लगा के देख रहे थे ताकि अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग को फाइनली समझ आ गया पूरा स्ट्रिप हम लोग को चेंज करना पड़ेगा यहाँ का। तो चलो पहले हम लोग यहाँ पर स्ट्रिप लगा ही देते हैं। ये पुराना वाला जो स्ट्रिप है हमारा, एरो का मार्क इधर है तो एरो का मार्क उसमें है भी है। हम लोग को आईसी को काउंट करना है, क्यों आपको बता देते हैं। ये हमारा पिक्सल है ना, तो आईसी को काउंट किया जाता है, उस हिसाब से प्रोग्रामिंग होता है। तो आईसी को हम लोग काउंट कर रहे हैं, टोटल अपने को पता चला 19 पीस है लग रहा है, और 19 पीस हम लोग यहाँ पर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 19 पीस का काउंट कर लिए हम लोग, और आईसी जो हमारा यहाँ पर आईसी यहाँ पर 19 पीस आने के बाद ये इसका कटिंग करेंगे। कटिंग करना काफ़ी सिंपल है, आप देख सकते हो बीच वाले एरिया में हम लोग को कटिंग करना है। आईसी को काउंट करेंगे सभी का 19 स्टेप, देख रहे हो क्या ले क्या इतना बड़ा औजार, तो इसको हिसाब से काटना है और ये काम में भी आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं गलती कर दिए तो कहीं भी गलत जा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कटिंग कर दिए, और इसके लास्ट में हम लोग को डेटा वायर को लेना है और ये ग्रीन वाले वायर को सोल्डिंग कर देते हैं। सोल्डिंग करने के बाद आपको बताते हैं कैसा ये आगे वाला प्रोसेस करने वाले हैं। तो ये कटिंग कर रहे हैं मुके, और सभी को इस तरीके से बाहर करना पड़ेगा अपने को। ये हम लोग दो को अभी सोल्डिंग कर दिए, उसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर सेटअप कर दिए 3 वायर को अच्छे से, ठीक है स्ट्रिप पे। और उसके बाद हम लोग लाइट ऑन करके देखते हैं, और उसका आउटपुट लोग को भी लेके जा रहे हैं साथों साथ। अभी 2 स्टेप का किए हैं, अभी ऑन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लाइट जैसे हम लोग स्विच ऑन किए, सेंसर पे हाथ गया और ये लाइट ऑन हो गया, बाकी लाइट आधा अधूरा जल रहा है। देख रहे हो स्टेप का दिखाता हूँ आपको, खाली आधा ही जल रहा है और बाकी जो है खाली 2 स्टेप अभी हुआ है, बाकी को सेम वैसे ही हम लोग करने वाले हैं। और इसको चिपकाने का तरीका सेम ही है, स्टिकर यहाँ पर ब्लू कलर का निकालना है और उसके बाद जो है ये चिपकेगा। ठीक है, इसकी काफ़ी सिंपल है, इसका ब्लू कलर का स्टिकर निकालना है और ये वायर के साथ जो है उसको अल्टरनेटेड जो है चिपकाते हुए लेके जाना है। ठीक है, तो देखिए इसको स्ट्रिप को इसके अंदर डाल के उसे चिपकाते हुए लेके जाना है। ठीक है, तो इसको पूरा सिंपली बीच बीच वाले एरिया में जहाँ पर हमारा अल्मीनियम पट्टी लगा है वहाँ पर इसको चिपकाते हुए लेके जाना है कंटिन्यू। ठीक है, और बाकी जितना भी स्टिकर है उसको निकालते हुए रहना है, एक बार में भी निकाल सकते हो, फिर फंसता ज़्यादा है ना, इसीलिए हम लोग जो आधा आधा यहाँ पर वायर को भी एक साथ इसके ऊपर लेते हुए जा रहे हैं ताकि वायर में हमारा जो है लाइट नहीं कटना चाहिए। ठीक है, ये देखिए ये हो गया, और ये लास्ट में आने के बाद ये इसका पोजीशन है, ये यहाँ पर एड हो जाएगा। दो को हम लोग यहाँ पर डिफ्यूज़र भी लगा दिए, और आप देख सकते हो कैमरे में तो पता नहीं चल रहा होगा, और ये ऊपर का जो है बाकी को सबको बाहर कर रहे हैं। चलो ऑन करके देखते हैं कैसा ये। तो देखिए यहाँ पर सेंसर पे जैसे हाथ रख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये हमारा लाइट ऑन हो गया। ठीक है, तो चलो बाकी को ऐसे ही हम लोग सेटअप करने वाले हैं, जो ये लाइट दिख रहा है आपको इस तरीके से रोशनी आ रही है। ठीक है, तो बाकी को सब कुछ खोल देते हैं। देखते हैं 5 मीटर हम लोग स्ट्रिप लगा दिए और चलता है कि नहीं, अभी ऑन करके चेक कर ही लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग टोटल 6 स्टेप का लगा दिए, और बाकी देखिए कैसा ये प्रॉब्लम हो रहा है।
बाकी देखिए यहाँ पर जो लाइट आपको ब्लिंक नज़र आ रहा होगा, और ये देखिए इसमें बिल्कुल आपको ब्लिंक नज़र नहीं आ रहा है, देखिए इसमें फ्लक्चुएट हो रहा है। तो प्रॉब्लम था हमारा ये वाला स्टेप पे, ठीक है। तो जितना भी हमारा स्टेप का है पूरा 24 स्टेप हम लोग पूरा चेंजेस करने वाले हैं। देख रहे हो यहाँ पर आधा जल रहा है आधा नहीं जल रहा है, तो ये देखिए फिर से आधा जल रहा है। इस तरीके से प्रॉब्लम था और ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो अभी हम लोग पूरा कंटिन्यू कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये लाइट वर्क करेगा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का। घर वाले ने हम लोग को नाश्ता दिया है और पानी, और बाकी काम चल ही रहा है अभी तक। कितना स्टेप हुआ मुझे देखिए सब, मुकेश बारीकी से स्टेप हमारा सोल्डिंग करते जा रहा है, और मैं क्या कर रहा हूँ लास्ट वाला डेटा वायर और स्ट्रिप जो है चिपकाते हुए और डिफ्यूज़र लगाते हुए कंटिन्यू जा रहा हूँ। तो अभी और काफ़ी सारा स्टेप बचा है, अभी टोटल अभी 10 हुआ है, टोटल और अपने को 14 पीस और करना है, ठीक है। आईसी अच्छे कंपनी का है और अच्छे वर्क करेगा। पहले वाला तो पूरा डैमेज था, हम लोग पूरा बाहर कर दिए अभी, और घर वाले का भी बार बार फ़ोन आने से मज़ा नहीं आता, इसलिए हम लोग का अच्छे काम करना है, और प्राइस भले हल्का सा महंगा लगेगा और फाइनल काम रहेगा, ठीक है। तो मैं इसका लास्ट में प्राइस भी बताने वाला हूँ, वीडियो पे बने रहिए कंटिन्यू। देखिए अभी हमारा स्टेप यहाँ पर पहुँचे, और एक और नया स्टेप हम लोग निकाल लिए पिक्सल वाला, और कितना बच गया यार देख रहे हो, इसीलिए बोलता हूँ कम प्राइस वाला बिल्कुल मत लगाना। मैं कितने कस्टमर को बोला हूँ कम प्राइस के लिए, ऐसा प्रॉब्लम बाद में आएगा तो लफड़ा होता है, और सामने वाली पार्टी से हम लोग कम पैसा लेके इसको तो कर दिए, फिर ये प्रॉब्लम आएगा तो बॉस समझ गया ना, इसीलिए हम लोग प्राइस इसका काफ़ी महंगा रहता है और बहुत ही मेहनत भी लगता है। देख रहे हो कितना स्टेप हम लोग खोल रहे हैं, पूरा स्टेप एक साल हुआ है और एक साल के बाद इस तरीके से कंडीशन हो गया, तो पूरा बाहर कर रहे हैं। और मेरा राय मानोगे तो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, पिक्सल के जगह हम लोग जो है नॉर्मल स्टेप जो आता है ना वो यूज करेंगे तो बेहतरीन रहता है, और कभी ख़राब हो गया ना कंट्रोलर तो हम लोग उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फिर इसमें सवाल भी किया था मेरे को सब्सक्राइबर भाई ने, तो पूछ रहे थे स्टेप लोग को रिपेयरिंग कैसा करना है। तो ये दोस्तों ये पिक्सल तो रिपेयरिंग होता है, फिर दोबारा फिर से प्रॉब्लम हो जाता है, तो अच्छे ब्रांड का पिक्सल वाला स्टेप लीजिए वोम वाइट, और ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आपको संपर्क करना है तो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल के थ्रू हम आपको ये प्रोवाइड करा देंगे अच्छे कंपनी का। तो यहाँ पर स्टेप का काम चल ही रहा है, ठीक है। इधर हमारा बचा है कितना स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप बच गया अपना, तो पूरा 10 हम लोग अभी चेंज करने वाले। और यहाँ पर टोटल हो गया हमारा यहाँ का पूरा लाइट कंप्लीट, और ये देखिए बाकी जो ख़राब वाला, तो चलो पहले चेंज कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद देखते हैं हमारा स्टेयर का लाइट कैसा जलने वाला है। दोस्तों जिसका इंतज़ार था फाइनली यहाँ पर होने जा रहा है हमारा काम ख़त्म, और दो खाली स्टिप अभी हम लोग चिपकाने वाले हैं और सोल्डिंग करने वाले हैं, दो वायर ग्रीन वाला, उसके बाद हमारे लास्ट स्टेप आएगा और ये कंप्लीट हो। देखिए 24 स्टेयर है तो हमारे पास कितना रोल ख़त्म होगा पता ही है, 1 मीटर ओनली बच रहा है, उसके बाद सभी ख़त्म हो गया, और एक एक दो दो LED लाइट बच रहा है, क्योंकि 100% वहाँ से 1 मीटर नहीं है ना, इसीलिए जो है एक एक का हल्का सा बच जा रहा है, और ये तो काम नहीं आएगा, हम लोग दूसरी जगह यूज कर सकते हैं, जब IC उड़ेगा तो उसके साथ रिपेयरिंग कर सकते हैं, तो इसको हम लोग को रखना है। तो टोटल हमारा 5 पैकेट जो है 5 मीटर का जो टोटल रोल था, तो ये 5 ख़त्म हुआ टोटल, 24 स्टेप हुआ, तो ये 2 बचा, 2 ख़त्म होने के बाद आपको लाइट ऑन करके दिखाते हैं कैसा वर्क कर रहा है। और तो देखिए दोस्तों ये लास्ट वाले पीस है, और ये देखिए इसके बाद कोई सा भी डाटा वायर नहीं जुड़ने वाला, और ये DN क्योंकि स्टार्टिंग हुआ हमारा सीढ़ी के पास, और आप सोच रहे होंगे यहाँ पर स्टार्टिंग नहीं है तो इधर से लाइट कैसे जलेगा, तो वो गलत सोच रहे हो, यहाँ पर अलग से उसका सेंसर लगा है, यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर का, तो स्टार्टिंग यहाँ भी लेंगे तो ये स्टार्टिंग यहीं से जलेगा, फिर डेटा नीचे से रहेगा, ठीक है, उस तरीके से कंट्रोलर बनाया गया है। तो चलो आपको दिखाई देंगे, चलो होने के बाद इधर से भी एंट्री हो गए तो स्टार्टिंग ये स्टेप जलेगा, ठीक है, नीचे से नहीं जलेगा, फिर नीचे से डाटा आया, तो ये पिक्सल वाला, तो एक पीस बचा हुआ है, फाइनल इसको लगा लेते हैं। जैसे हम लोग लगाते हैं इस तरीके से, ये देखिए इसका जो चिपकाना है
चिपकाना काफ़ी आसान है, फिर मेहनत तो बहुत ज़्यादा ही लग रहा है इसमें काम पे। आपको पता ही होगा किस तरीके से इसमें काम ज़्यादा टाइम क्यों लगता है। और देखिए इसका ब्लू वाला स्टिकर निकालना है, ये देखिए। तो आपको दिखाएंगे नीचे में किस तरीके से स्टिप लगा है पूरा आपको। ये देखिए ये लास्ट वाला एरिया है, कुछ नहीं करना है इसको, सिंपली ऐसा प्रेस करना है और इसके नीचे ऐसा हल्का हाथ से प्रेस कर लेना है, ठीक है। तो चलो आपको दिखाते हैं किस तरीके से लगा है। देखिए ये देखिए इस तरीके से ये लगा हुआ है, और ये आपको पूरा एल्युमिनियम प्रोफाइल में देखने को मिल रहा होगा, पूरा चिपका हुआ है, हल्का सा एक दो जगह मार खा गया बस, कुछ नहीं। ये देखिए ठीक है, तो ये कंप्लीट। और ये हम लोग लगाने वाले डिफ्यूज़र, डिफ्यूज़र के बाद आपको टेस्टिंग दिखाने वाले। देखिए दोस्तों कितने सारा हमारे पास लाइट स्ट्रिप लोग सब बाहर किए हैं, और ये पूरा फालतू है, कचरे में डालना है इसको, कुछ काम करनी हो और इसको चला सकते हैं, फिर कोई मतलब नहीं, कहीं पर लगाना नहीं है। और ये कहीं भी स्टेशन, तो हम लोग एक पीस एक्स्ट्रा मंगवा के रखे थे ताकि कुछ प्रॉब्लम हो तो हम लोग फिर से इसको रिपेयर कर सकें। तो ये कंप्लीट हुआ, आप देख सकते हो रोल कितना लगा यहाँ पर, टोटल 5, ठीक है। 1 मीटर बच रहा है और हल्का हल्का बचा है टुकड़ा। तो चलो यहाँ पर टेस्टिंग करके देखते हैं किस तरीके से वर्क होता है और ये कैसा जलता है। हमारे सेटअप में कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, जैसा था वैसा ही रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग सेटअप, चलो यहाँ पर हम लोग स्विच ऑन करके देखते हैं ये काम आता है कि नहीं, इतना मेहनत तो किए हैं अभी। और देखिए हल्का सा एक बार ब्लिंग होता है, और ये मुकेश जारा भी चल के देख रहा है, देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर तो स्टेप स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, और देखिए उधर से भैया भी आ रहे हैं, तो दोनों तरफ से ही हमारा ये लाइट काम आता है कंट्रोलर। और एक हमारे पास नॉर्मल वाले कंट्रोलर है, उसको एक ही तरफ से ये काम आता है। तो ये देखिए दोनों तरफ से आ रहा है, ये पिक्सल है ना, तो ये बीच से भी चालू होता है और ये दोनों तरफ से आता है। और बंद भी कैसा होगा देखना, दोनों तरफ से बंद होगा। मुकेश साइड हो जाए वहाँ से, देखते हैं आपको दिखाता हूँ दोनों तरफ से बंद होने वाला है। देखिए बीच से बंद हो रहा है, इधर जितना स्टेप ऑन हुआ था उतना वो बंद, उधर हमारा जितना स्टेप, तो ये अच्छे से वर्क कर रहा है। तो हल्का सा अंधेला कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको कैसा ये काम आ रहा है। मुकेश आएगा ऊपर से, उधर देखिए मुकेश ऊपर से आ रहा है और भैया नीचे से जा रहे हैं, तो ये दोनों तरफ से लाइट ऑन होते होते जा रहा है। तो ये अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। हम पहले स्टार्टिंग में आए थे और तो ये लाइट लोग बिल्कुल नहीं जा रहा था, तो स्ट्रिप हम लोग बाहर कर दिए। और एक मेरा पहले वीडियो डला हुआ है इसका, पूरा डिटेल डला हुआ है, पूरा 4 पार्ट डला हुआ है, और कैसे तरीके से स्ट्रिप लगा है, कैसा प्लानिंग हुआ, कितना बाई कितना एक ग्रेनाइट है, पूरा उसमें बताया गया। और देखिए किस तरीके से ये बंद हो रहा है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। ये अपना होम पे जब लगता है ना, इंस्टॉलेशन होता है, तो काफ़ी रौनक आ जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे हाथ में रखा, ये ऑटोमेटिक ऑन होते होते जा रहा है, ठीक है। और ये सभी स्टेप हम लोग रिपेयर कर दिए और स्ट्रिप लगा दिए पूरा नया, ठीक है, ताकि बाद में प्रॉब्लम मत आए। और ये इस तरीके से लाइट देखिए कैसा वर्क हो रहा है, और पूरा रोशनी तो काफ़ी मस्त लग रहा है। और ये देखिए बाकी लाइट बंद कर दिए, और इसी का रोशनी देखिए कैसा लग रहा है आपको स्टेयर का। तो ये कांच नहीं लगा था उस समय, हम लोग वीडियो शूट किए थे और कुछ सेटअप नहीं कर पाए थे, तो स्टार्टिंग पे रखने के बाद हमारा लाइट बाद में ऑन हो रहा था। अभी तो पूरा सेटअप कर दिए और अच्छे तरीके से वर्क हो रहा है। तो हम आपको एक दो बार और टेस्टिंग करके दिखाते हैं, ये बंद होने के बाद आपको दिखाते हैं कैसा ये वाला। तो मुकेश को फिर से भेज रहे हैं यहाँ पर टेस्टिंग के लिए, देखते हैं। देखिए जैसे स्टेप रख रहा है वहाँ पर ये लाइट ऑन होते जा रहा है, देख रहे हो, देखिए देखिए कैसा लग रहा है आपको, पूरा जन्नत टाइप का लग रहा है ना, सीढ़ी का स्टेप जब चालू हो रहा है। अब देखिए मुकेश चले गया और मैं तो बीच में हूँ, तो देखिए किस सेकंड में ये बंद होगा। ये देखिए उसी स्टेप पे बंद होगा, उसी स्पीड पे, देखिए। और ये जो है बंद होना चाहिए, नहीं होगा तो पता है आईसी लोग उड़ जाएगा, तो ये कंटिन्यू चलते रहे। तो मुकेश फिर से उधर से आएगा, देखते हैं कैसा ये काम आता है। देख रहे हो जैसा हमारा पैर रखते हुए आ रहा है, ये लाइट ऑन होते होते आ रहा, तो सेंसर जो हमारा डिटेक्ट कर ले रहा है। उसके बाद देखिए ये इस तरीके से
ये फ्लोर पे चले गया, और ये चल जाने के बाद कुछ देर के बाद ये फिर से उधर से ऑन हुआ ना, तो उधर से ऑफ होते आएगा। देखिए तो फाइनली यहाँ पर हमारा जो लाइट अच्छे से वर्क कर रहा है, आप देख सकते हो। ये देखिए ये पूरा शट डाउन हो जाएगा, और कोई भी स्टार्टिंग इधर से जाए चाहे उधर से जाए, स्टार्टिंग होगा एक ही स्टेप। जैसे कि वहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये वहाँ से स्टार्ट होते होते जा रहा है, और ये जाके वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपको समझ आ गया हम लोग किस तरीके से ये स्टेप वाला जो हमारा सेंसर है काम आता है, और स्ट्रिप जो हमारा जो पुराना था सब बाहर कर दिए, नया वाले लगाने के बाद अच्छे से वर्क कर रहा है। और 1 ईयर तो वारंटी रहता ही हम लोग का, हम लोग जब भी 1 ईयर वारंटी में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हम लोग इसका रिप्लेस करके देंगे कुछ भी हो। तो फाइनली यहाँ पर आपको देख सकते हो अच्छे से वर्क कर रहा है, और यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। इसके बारे में पूरी डिटेल जानना है ना, तो हमारे चैनल पर बहुत सारा वीडियो डला हुआ है, आप जाइए वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो देखिए ऐसा दौड़ते हुए जाना है तो ये काम नहीं आएगा, ये चलते फिरते आएंगे तब ये काम आएगा, क्योंकि सेंसर हमारा एक बार डिटेक्ट करेगा और इसका टाइमिंग सेट करके रखे ना, तो उस हिसाब से ये काम करता है। क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि दोनों तरफ से कोई भी ह्यूमन जाएंगे तो यहाँ पर दोनों तरफ से जो है स्टार्टिंग होता है, वहाँ से स्टार्ट होता है और उसके बाद उधर से स्टार्ट होता है। देखिए ये दौड़ते हुए गया, उधर से जब स्टार्ट करेगा तो उधर से भी स्टार्ट होते आएगा, और ये अच्छे से वर्क कर रहा है। और अभी हम लोग टेस्टिंग कर लिए, 5-6 बार मुकेश को चला फिरा के देख लिए, और ये अच्छे से वर्क हो रहा है और टाइमिंग भी अच्छे चल रहा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और आज का वीडियो कैसा था कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो फाइनली यहां पर हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर दिए, अच्छे से वर्क कर रहा है। इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है। और दोस्तों वीडियो कैसा था कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छे लगे दोस्तों चैनल को ले सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसा सा रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहते। चलो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ।